So hey guys, this is Ishika Chandra and once again welcome back to my video. So today I'm back with the part 2 of the polynomial series of class 9th mathematics. Last video में हम लोगों ने cover किया था basic introduction of the polynomial, जहाँ पे हमने देखा था what are actually polynomial और polynomial बने किन चीज़ों से हैं। तो polynomial को describe करने के लिए last video का recap देखना ज़रूरी है, link in description, you can check on for the part 1 video of the polynomial. Today we have the topic the value of polynomial and zeros of a polynomial. Zeros of a polynomial और value of the polynomial शुरू करने से पहले दो term last video में रह गए थे, पहले उन्हें cover करते हैं. That was the constant polynomial and a zero polynomial. ध्यान रखना है कि zero polynomial और zeros of a polynomial दोनों अलग अलग चीजें हैं. पहले zero polynomial की definition देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल की डेफिनेशन एंड देन वी विल मूव टुवर्ड द डिफरेंस बिटवीन व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल देन वी विल बी हैविंग द डिफरेंस बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल एंड व्हाट इज अ जीरो पॉलीनोमियल बिगिनिंग विद कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल. इन पॉलीनोमियल केस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में दो पार्ट छोड़ दिए थे, एक था कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल और दूसरा जो हम लोगों ने लीव किया था उसको उसके बाद देखते हैं. कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल क्या होता है? कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल वो पॉलीनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की पावर होल रहेगी और जो कॉन्स्टेंट है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा. मतलब क्या हुआ? वेरिएबल जो भी होगा उसकी पावर हमेशा जीरो ही रहेगी, ओनली एंड ओनली जीरो. The only fact is value of variable will be only zero. सिर्फ zero रहेगी. अगर किसी polynomial की variable की value zero है, मतलब उसके साथ जो constant term होगा वही as it is आ जाएगा. Like 5x to the power 0, 9x to the power 0, 100x to the power 0, और इन सब के आंसर ये हैं. ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, इसी को हम कांस्टेंट पॉलीनोमियल कहते हैं. 5, 9, 100 ये है हमारे कांस्टेंट पॉलीनोमियल जिसमें टर्म सिर्फ कांस्टेंट है. वेरिएबल अगर आप समझना चाहते हो तो वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो जीरो होगी. वैल्यू ऑफ द वैल्यू नहीं लिखना चाहिए कि पावर डिग्री डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल विल बी ओनली एंड ओनली जीरो. इस केस में कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल बनेगा. अब जीरो पॉलीनोमियल की बात कर लेते हैं. जीरो पॉलीनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलीनोमियल कुछ भी नहीं होता है बट ओनली जीरो. जीरो पॉलीनोमियल में एक ही टर्म आएगा, ओनली वन टर्म बोलो, वन कांस्टेंट बोलो, कुछ भी बोलो, दैट इज जीरो. जीरो के अलावा कुछ है ही नहीं हमारे जीरो पॉलीनोमियल के पास. अभी जीरो पॉलीनोमियल हमने डिस्कस कर लिया, अब हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे. पहली चीज वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल ऑफ अ पॉलीनोमियल और जो दूसरी चीज डिस्कस करेंगे वो हम लोग करेंगे जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल. ठीक है, एक बार वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल डिस्कस करने के बाद हम जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल और जीरो पॉलीनोमियल के बीच में डिफरेंस को देखेंगे और फिर इस वीडियो को एंड अप करेंगे. पार्ट 3 में हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम और रिमाइंडर थ्योरम साथ में करेंगे क्योंकि दोनों रिमाइंडर से रिलेटेड है. और फोर्थ पार्ट में फैक्टर थ्योरम करेंगे. सारे शॉर्ट वीडियोज हैं तो चैप्टर का बर्डन भी नहीं होगा और चैप्टर फास्ट एंड स्मूथ वे से कंप्लीट हो जाएगा. देन यू ओनली नीड टू डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस. अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल की. वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल मतलब कोई भी पॉलीनोमियल ले लेते हैं, तो एक पॉलीनोमियल ले लेते हैं
करते हैं टाइप x a x स्क्वायर प्लस b x प्लस x, ये मेरा पॉलीनोमियल है। या फिर यहाँ पे c ले लेते हैं, जहाँ पे a b और c मान लो कोई कांस्टेंट है और x मेरा वेरिएबल है। इतनी बात तो क्लियर है यहाँ तक। मैंने क्या बोला, ये मैंने एग्जांपल, अब इसका एक लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल क्या लेंगे, लाइक 2x स्क्वायर प्लस प्लस 5x प्लस लेट से कोई भी नंबर ले लेते हैं 6। ये मेरे पास एक पॉलीनोमियल है, ये भी पॉलीनोमियल है। पॉलीनोमियल कैसे है ये वेरीफाई भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अगर हमें वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल फाइंड करनी है, मतलब ये पूरे वैल्यू जो पॉलीनोमियल दिया है इसकी वैल्यू, मतलब इसके इक्वल में यहाँ क्या आएगा, यही हमारा वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल बताएगा। जब वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल पढ़ेंगे तो यही बताएगा कि इस पूरे एक्सप्रेशन के बाद आना क्या है। बस ये जो स्पेस को फिल करेगा ना, ये मैथड करेगा। अब इसको कैसे करना है मैं बताती हूँ। जब हम क्वेश्चन कोई भी लेके बैठेंगे तो क्वेश्चन जनरली ऐसे बनते हैं कि अगर x की वैल्यू कुछ भी दी होगी, अगर x की वैल्यू 2 है 3 है 4 है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल बताइए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अब एक ही में हम लोग अलग अलग x की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। लाइक हम x की वैल्यू एक बार 2 पुट करके देखेंगे और एक बार हम x की वैल्यू 4 पुट करके देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब हम लोग उसको ट्राई कर लेते हैं। बात ये हुई कि जब 2 से ट्राई करेंगे तो 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 टू ज़ा 8, तो 8 प्लस 2 5 ज़ा 10 प्लस 6, 8 एंड 6 विल बी 14 एंड 14 10 24। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल 24 होगी विद द 2। और जब हम बात करेंगे 4 के साथ, तो 4 के साथ हमारी वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल बनेगी 4 स्क्वायर 16 एंड 16 टू ज़ा 32, 32 प्लस 4 5 ज़ा 20 प्लस 6, इसकी वैल्यू बनेगी 6 7 8 एंड 5 58, इसकी वैल्यू बनेगी 58, मतलब 44 वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल इज 58 and with x is equal to 2, value of the polynomial is 24. Value of the polynomial find करने का बस इतना मतलब है कि हमें इस पूरे polynomial की एक value निकालनी है। कई बार हमें ऐसे expression दे दिए जाते हैं जिसमें a, b, c लिखा होता है, x लिखा होता है, कोई constant term ही नहीं होता है। वहाँ पे वो तुम्हें x की value कुछ भी दे सकते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें x की value a दे दी, let's take an example. एक वैल्यू लेके देख लेते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें कहा कि x इज इक्वल टू a, तो अब तुम्हें बतानी है वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल। नाउ टेल वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल राइटिंग इन शॉर्ट। ठीक है, अगर तुम्हें a दे दिया है तो अब तुम क्या करोगे, a स्क्वायर a इंटू a स्क्वायर प्लस b इंटू a प्लस सी, क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस ए बी प्लस सी, यही तुम्हारी वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेट हो जाएगा किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, और ये तुम्हारी वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल है। ठीक है, मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल बिल्कुल क्लियर है। वॉन्ट टू राइट इन अ शॉर्ट, तो सिर्फ इतना लिख सकते हो कि कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा या कोई भी फॉर्म हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि तुम ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस यहाँ पहले सी प्लस एक्स, ऐसे भी हो सकता है, वो ए प्लस के बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस वो इतना बोलना चाह रहा है वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल, मतलब किसी भी गिवन पॉलीनोमियल में इक्वेट करने पे क्या आंसर आएगा, जब आप सॉल्व करोगे वो आपको उस वेरिएबल की वैल्यू पहले से ही देंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल। तो ये तो बात हो गई वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल देख लेते हैं।
पॉलीनोमियल ले लेती हूँ, इस बार भी यही ले लूँ या तो पहले इसी से ट्राई मारते फिर दूसरा ट्राई करती हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मैंने एक पॉलीनोमियल ले लिया, लास्ट क्लास से पता चल गया कि मेरा कौन सा पॉलीनोमियल है, पहले तो मेरा ये ट्राइनोमियल है और दूसरी बात ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। दूसरी बात ये हुई पॉलीनोमियल कैसे, ये भी पता चल गया सारे टर्म्स न्यूमरेटर में है और न्यूमरेटर में जो टर्म है वो भी होल नंबर की वेरिएबल पावर के साथ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल कुछ भी हो जाए हमें एक वेरिएबल की ऐसी पावर चाहिए जिससे ये जीरो हो जाए। यहाँ पे हमें अलग अलग पुट करके वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे हमें एक ऐसी एक्स की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, पर एक्स की वैल्यू ऐसी चाहिए कि आंसर मेरा जीरो हो जाए। ठीक है, ब्लैक से वो लिख रही हूँ तो तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जीरो होना चाहिए, तो ये दो चीज़ें उसने तुम्हें दे दी। नाउ द क्वेश्चन इज नॉट मच डिफिकल्ट, क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन में वो ऑलरेडी दे देता है कि इस नंबर से ट्राई करना है या किस नंबर से ट्राई करना है, इसको जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना है, पर हम सिंपली एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, लाइक 3x + 4 = हमें जीरो, हमें x की वैल्यू चाहिए कि पूरा जीरो हो जाए। मैं ना क्या करूँगी, हम लोग कई पहले सॉल्यूशन निकालना देख चुके हैं, हम x की वैल्यू तो यहाँ से निकाल सकते हैं, इक्वल टू जीरो रखा है मतलब x की वैल्यू तो ऐसे ही निकलेगी कि मेरा पूरा करने के बाद जीरो आ जाए, हमेशा यही करना चाहिए। अब हम इसे कर सकते हैं, 3x = -4 एंड x = -4/3, इसे चेक करके देख लेते हैं, 3 × -4/3 + 4, 3 कैंसिल, -4 + 4 जीरो देगा, तो मतलब मेरी x की वैल्यू ये है जिसकी वजह से मुझे पूरा मेरा पॉलीनोमियल जीरो होता हुआ दिख रहा है। तो दिस वॉज जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल। ठीक है, ये दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। तो यही था वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल में डिफरेंस। सेकंड चीज, जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल और जीरो पॉलीनोमियल में तो डिफरेंस साफ साफ समझ में आ गया। जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एक ऐसा फॉर्मूला है या एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हमें पॉलीनोमियल के वेरिएबल की ऐसी पावर चाहिए जिससे हमारा जो आंसर होगा जो उस वैल्यू होगी उसकी वो जीरो हो जाए। तो हम ऐसी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेट करके, आइदर आप उसे ट्रांसपोर्ट करो या फिर कोई नए टर्म ऐड सबट्रैक्ट करके करो। हम ज़्यादातर तो ट्रांसपोर्ट वाला बचपन से सीखते आ रहे हैं जब हमने सिंपल इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सीखी थी। वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल मतलब हमें पूरे वेरिएबल में पूरे पॉलीनोमियल में वेरिएबल की एक ऐसी पावर रखनी है जिससे पता करना है कि कौन कौन से वेरिएबल की पावर रख के पॉलीनोमियल किसका पॉलीनोमियल का सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ एक्स की वैल्यू दी हुई होगी और बस उसको अप्लाई करना है, और यहाँ पे इससे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों लगभग सेम है बट दे आर एप्लीकेशन में डिफरेंट है। सो हेयर वी आर डन विद द वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल एंड द जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल अलोंग विद द टू टर्म्स दैट वर द कांस्टेंट पॉलीनोमियल एंड द जीरो पॉलीनोमियल। सो हेयर आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड द वीडियो और द वे आई टीच। सो दिस वॉज द पार्ट टू ऑफ माई वीडियो, सो हेयर वी आर डन विद द वैल्यू एंड जीरो। In our part 2, we will cover the division algorithm and the remainder theorem. So till then, stay tuned and hit the like button and subscribe to my channel. Till then, bye-bye.